अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कोई भी कोर्स या कोई भी वीडियो आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब उसका पूरा प्लेलिस्ट दिखाता है, जिसमें 100-150 वीडियोस होती हैं, 50 भी होती हैं, तो वो पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाता है। तो इसी प्लेलिस्ट का एसईओ किया होता है, तभी आपके सामने आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आप प्लेलिस्ट तो बनाते हैं पर उसमें एसईओ करना भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्लेलिस्ट में एसईओ करने का तरीका बताऊंगा। एसईओ का मुराद है, जैसे वीडियो पर आप एसईओ करते हो यूट्यूब पे, यानी चैनल का एसईओ होता है और वीडियो का भी एसईओ होता है, उसी सेम तरीके से प्लेलिस्ट का भी एसईओ होता है। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट की जो है एसईओ से आपको क्या बेनिफिट है, तो इसमें ये होता है कि आपका जब भी कोई एक वीडियो वायरल होता है तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी वायरल हो जाती है, यानी पिछले वीडियोज़ हैं जो नीचे वाले या उनसे ऊपर वाले वीडियोज़ जो होते हैं तो उन पर व्यूज़ नहीं आते। तो प्लेलिस्ट में आप एसईओ करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट भी आपका लोगों के सामने जाएगा, अगर उनमें से किसी भी एक वीडियो को वायरल हो गया है तो पूरा प्लेलिस्ट पर भी व्यूज़ आने लग जाएंगे। तो ये प्लेलिस्ट की ये खासियत है, आप प्लेलिस्ट बनाती हैं फिर एसईओ नहीं करते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा और जो है ना उसमें एसईओ करने का तरीका भी बताऊंगा। ये न्यू कोर्स है और न्यू कोर्स आ चुका है, ये पेड कोर्स है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर समझते हैं। पहले आपको यूट्यूब में आ जाना है, यहाँ पर आपने यहीं से ही सेटिंग है, यहाँ पर आपने अपने आइकॉन में आ जाना है। यहाँ पर आइकॉन में आने के बाद आपने यहाँ आ जाना है यूआर चैनल। तो यूआर चैनल में हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों YouTube का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। जब भी आप प्लेलिस्ट न्यू बनाएंगे तो आपको वीडियोस में जाना होगा यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैं प्लेलिस्ट पहले बनाना सिखाता हूँ फिर उसकी SEO करना सिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सेव टू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। तो आपने न्यू प्लेलिस्ट में आ जाना है यहाँ से। यहाँ से आप अपने प्लेलिस्ट का कोई भी टाइटल देंगे, टाइटल देने के बाद आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से पब्लिक कर देना है, ठीक है। पब्लिक कर देने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा। अभी चलते हैं एसईओ की तरफ। तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है, तो ये देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसी प्लेलिस्ट का मैं एसईओ करूँगा। एसईओ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, तो आपने इसी एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टाइटल आ चुका है YouTube न्यू फुल कोर्स, उसके बाद आ चुका है डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने लिखना होता है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो इसी को ही भाई SEO कहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, ये देखें लिखा हुआ है इस प्ले लिस्ट में आपको यूट्यूब न्यू फुल कोर्स मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो SEO, यूट्यूब चैनल बैनर कैसे बनाएं, यूट्यूब बेस्ट थंबनेल बनाने का तरीका, यूट्यूब ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद तो दोस्तों इसी प्लेलिस्ट में इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में सेव कर देने के बाद इसको करेंगे सेव। यहाँ से आपने ऊपर आना है और इसको कर देना है सेव। तो दोस्तों जब भी कोई चीज़ इन कीवर्ड में से कोई भी सर्च करेगा तो पूरा प्लेलिस्ट उसके पास जाएगा। तो दोस्तों जब भी कोई बंदा प्लेलिस्ट में आता है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ, कोई भी बंदा यहाँ पर प्लेलिस्ट में आता है तो सबसे पहले उसको टाइटल नज़र आता है यूट्यूब न्यू फुल कोर्स। उसके बाद ये देखें जब हमने एसईओ किया तो इसका ये डिस्क्रिप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं मोर पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अभी इन कीवर्ड से जो भी बंदा कोई सर्च करेगा तो उसको पूरा प्लेलिस्ट दिखाएगा यूट्यूब। तो दोस्तों प्लेलिस्ट को वायरल करना चाहते हो तो यही ट्रिक आप भी आजमाएं, ये बेस्ट तरीका है वीडियोज़ को वायरल करने का। प्लेलिस्ट की आप अगर एसईओ नहीं करेंगे तो प्लेलिस्ट उनको शो ही नहीं करेगा, या तो प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में जाएंगे तो तब भी प्लेलिस्ट उनको जो है ना शो करेगा यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।